अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कई लाइलाज बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। अश्वगंधा का प्रयोग कई बीमारियों में दवा के रूप में किया जाता है। अश्वगंधा दवा चूर्ण कैप्सूल के रूप में आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगी। कई रोगों में तो अश्वगंधा रामबाण की तरह है। सदियों से अश्वगंधा को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जड़ी बूटी के बड़े ही असरकारी परिणाम हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि यदि आप अश्वगंधा का उपयोग करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या ये आपके लिए अच्छा है और किस हद तक अच्छा है। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं डॉट। अगर आपको नींद ना आने की समस्या है और आपकी रात सिर्फ करवटें बदलने में ही निकल जाती हैं तो अश्वगंधा आपके लिए एक प्रभावकारी दवा की तरह काम करता है और आपको चैन की नींद सुला देता है। दुबले पतले लोग अपने शरीर से बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए अश्वगंधा का चूर्ण बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच शहद में मिलाकर गर्म दूध के साथ सेवन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो दुबलापन की समस्या है या एनर्जी की कमी की समस्या है वह दूर हो जाती है। वहीं अगर आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं और आपके बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं या हो रहे हैं तो भी अश्वगंधा आपके लिए रामबाण दवा का कार्य करेगा। ऐसे में आप अश्वगंधा का सेवन ज़रूर करें, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कितना गुणकारी है अश्वगंधा। साथ ही यदि अश्वगंधा में बात करें तो एंटीजेनिक गुण होता है, जिससे ये कैंसर कोशिकाओं को नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण से रोकता है, जिससे कैंसर का इलाज करने में मदद मिलती है। कैंसर रोग को फैलने कैंसर सेल्स काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती हैं जो तेज़ी से बढ़ते हैं। अश्वगंधा इन सेल्स को रोकने में मदद करता है। वहीं मन की चिंता और तनाव को दूर करने में भी अश्वगंधा शामिल है। अश्वगंधा के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।